पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है। हमको लगता है चाइना गधा भी खाता है। वजीर आजम इमरान खान वो कहते हैं कि उनकी विचारधारा बहुत शुद्ध है। काय का शुद्ध है, वो तो हमारे यहाँ पर बन फोड़ने का हमेशा आतुर रहते हैं। बेटा कितना भी नालायक हो जाए लेकिन बाप हमेशा भला ही सोचता है। एक आपका किस्सा काफी मशहूर है गधे को लेकर। अरे उसमें सुनाना क्या है, वो सब जानता है, वो क्रिकेटर भी रह चुका है। टीवी 9 भारतवर्ष की डिजिटल प्लेटफॉर्म टीवी 9 डिजिटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज टीवी 9 डिजिटल के खास प्रोग्राम जहरीली बातचीत में हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाले हैं जिनको पूरी दुनिया चाचा चतुर के नाम से जानती है, और इनका दावा है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर इनको रहती है। मुशर्रफ के पतलून के नाप से लेकर इमरान खान के डूबते वही खातों की भी जानकारी ये रखते हैं। इनसे जहरीली बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वैधानिक चेतावनी जारी करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो इस बातचीत के दौरान जलन से पीड़ित हो सकते हैं, वो लोग खासकर अपने साथ ठंडा पानी लेकर बैठे। वैसे इससे होने वाला तो कुछ भी है नहीं, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो चाचा चतुर, सबसे पहला सवाल आपसे कि पाकिस्तान के जैसे हालात है, जैसे इमरान सरकार की वहां की नीतियां हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? देखिए बेटा कितना भी नालायक हो जाए लेकिन बाप हमेशा भला ही सोचता है। ये तो बात अच्छी है कि आप भला सोचते हैं, और अच्छी बात है आप उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकवाद के मुद्दे पर हर ओर घिरा हुआ है, उसके बावजूद UN हो या FATF, वो हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो होता क्या है कि इंसान अक्सर उसी से मगजमारी करता है जो थोड़ा सह लेता है। हम थोड़ा नरम मिजाज के आदमी हैं, सह लेते हैं, और बच्चे की नादानी समझकर हम माफ कर देते हैं। लेकिन ये माफी कब तक चलेगी? अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो समझा ही सकते हैं। अब देखो ना, ऐसा कर दिया है, अपना तो डूबा ही था, अब जो है तरक्की को भी साथ में लेके डूब गया है। दरअसल बात क्या है ना, FATA वाले ने दोनों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, अब दोनों गले मिलकर सुनते रहो। तुर्की का आपने जिक्र किया है, तुर्की को इस्लाम का खलीफा बनने का शौक है, और जिसके लिए वो लगातार कदम उठाता रहता। तो तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को चौथा युद्धपोत देने की एक कराची में अपना कारखाना खोला है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, पेट्रोल के दाम से ज़्यादा वहाँ पर चीनी के दाम है। ऐसे हालात में युद्धपोत का आखिर पाकिस्तान करेगा क्या? अरे भक्त, वो कुछ नहीं करेगा। दरअसल तुमने किल्लत की बात कही ना, किल्लत तो इतना है भैया कि वहाँ जो है नहाने के लिए लोग नाले में कूद जाते हैं। आपने देखा किसी को नहाते हुए? हमने वैसे देखा तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है, वो क्या कहते हैं आजकल जो सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। अच्छा, वहीं देखा है लोग नाले में कूद कूद कर नहाते हैं। लेकिन वहाँ के जो वजीर आजम इमरान खान वो कहते हैं कि उनकी विचारधारा बहुत शुद्ध है। काय का शुद्ध है, वो तो हमारे यहाँ पर बन फोड़ने का हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठ करके बम फोड़वाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। हम तो ये कहते हैं वहाँ पे देखो गर्मियाँ भी इतना पड़ती है ना, वो लोग कोई सुविधा नहीं रखते, बिजली सब गुल होती है वहाँ पे। अब पाकिस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं तो जहन में गधे की तस्वीर ताजा हो जाती है। एक आपका किस्सा काफी मशहूर है गधे को लेकर, मुझे जरा सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? अरे उसमें सुनाना क्या है, वो सब जानता है, वो क्रिकेटर भी रह चुका है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस किस्से की बात कर रहा है जिसके बलबूते पर पाकिस्तान अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था, जिसमें बिजली का भी जिक्र है और पंखे का भी जिक्र है। अच्छा, अरे दरअसल हुआ क्या है कि आप जब गधे का बात करते हो ना, तो हमारे मन में अलग अलग विचित्र ख्याल आ जाते हैं, बस एक ही चीज घूमने लगता है। दरअसल हुआ क्या है, वहाँ पे ना एक जगह है जैकोबाबाद, वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि लोग वहाँ पे पंखा के रूप में ना वहाँ गधों का इस्तेमाल करते हैं। पंखे के रूप में गधे का इस्तेमाल? हाँ। ये कैसे पॉसिबल? अरे नहीं समझे? नहीं। अरे ये वीडियो आवाज देख लीजिए। तो ऐसे करते हैं गधे का इस्तेमाल वहाँ पर? बिल्कुल भैया ऐसे ही करते हैं, और यह सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है, काहे कि गधा वहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। जो वो लोग बोलते हैं कि उनसे ड्रैगन से जो उनकी दोस्ती जो बहुत ज्यादा पक्की होती जा रही है, वो भी गधे के बलबूते पे हो रही है। पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है।
ये इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है भैया। हकीकत तो हमको लगता है कुछ गड़बड़ है ये दोनों के बीच में। कहे कि ये गधा ये करता है मैन्युफैक्चर और बेचता है चाइना को जाके। हमको लगता है चाइना गधा भी खाता है। ओह नो, गधा भी खाता है? हाँ, हमको एकदम पक्का, हम 100% बोल रहे हैं चाइना गधा भी खाता है। खैर ये तो अच्छी बात है कि गधे वहाँ के आवाम के काम आ रहे हैं, वहाँ उनके लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कुछ गधे ऐसे भी होते हैं दो पैर के होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में हम क्या ही बोलें भैया, देश का तो सत्यानाश करके बैठा है जो दो पैर वाले गधा को बात कर रहे हो। इसके लिए इशारा कर रहे हैं? अब इशारा क्या करेंगे, तो जनता भी समझ गई होगी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ के आवाम की आप बात कर रहे हैं, वहाँ की आवाम की राय क्या है, वो क्या सोचती है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, वो किन नीतियों पर वोट डालती है, किन नीतियों पर चुनती है? इमरान खान को जैसे उन्होंने अपना पीएम चुन लिया, आखिर क्या सोच रही होगी उनकी? देखिए भैया, वहाँ की जनता भी भोली ही है, बस कुछ लोग हैं गुटबाजी करके उनको बरगलाता रहता है और साजिश करता रहता है हम पड़ोसी देश के खिलाफ। अब बाकी तो सब जनता तो भाई जनार्दन है ही हर जगह का। जनता भोली होती है, इस बात से ध्यान आया कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच जो जिन्ना का जिन यूपी चुनाव पर भी हावी होता दिख रहा है और बोतल से बाहर निकल चुका है। पिछले एक सप्ताह के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2-3 बार जिन्ना को याद कर लिया। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये सारा जो है ना राजनीतिक का खेल है भैया, सब वोट बैंक है। ये जिन्ना का जो जिन है ना, ये बोतल से क्यों निकाला है जानते हो? ना। ये वोटिंग के लिए निकाला है कि हमारे जो है ना उसका कोम का वोट इसको मिल सके। ये अखिलेश जो है ना बड़ा तेज है। ओह नो। अपने घर में तो लड़ाई करते रहते हैं लेकिन बाहर जो है रणनीति अपनाता रहता है। ये भूतवा का जिन वाला जो भूत है ये जान के निकाला है बोतल से। तो जिन्ना का जिन अखिलेश की बेहतरी के लिए वरदान साबित होगा? हमको नहीं लगता, काहे कि योगी जी बहुत भारी पड़े। मतलब योगी बाबा के पास इलाज है जिन्ना के जिन का भी? बिल्कुल भैया, जिन्ना का जिन का इलाज हम तो बता रहे हैं, योगी जी के पास हर इलाज है, हर मर्ज की दवा है। कैसे, आपको कैसे पता है कि योगी जी के पास हर मर्ज की दवा? हम देख रहे हैं ना भैया, ये जो अभी इनका कार्यकाल चला है इसमें इन्होंने जबरदस्त काम किया है। चाचा चतुर, आपसे अगला सवाल होगा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर। पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल हो रहा है, वो कर्ज में डूब चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो, वहाँ की सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए, वहाँ के लोगों को क्या कुछ सोचना चाहिए जिससे कि देश का भविष्य संवरे? देखिए, जो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता है ना, बस हम कहते हैं इसका जो अपना दिमाग से नहीं ख्याल निकाल दे। कहे कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा हमेशा रहेगा। और एक बात ध्यान रख लो, हमारा जो प्रधानमंत्री जी है ना, डिसीजन लेने में ना समय नहीं लेता, चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। तो थोड़ा जो है सोच समझ के रहा करो। आपकी तो बातचीत होती रहती है, आप इमरान खान को संदेशा क्यों नहीं भेज देते? भैया देखिए, हमारी बातचीत कभी कभार होती है, वो भी कोई पार्टी वार्टी में मिल जाता है तो मेरे पीछे आके घूमने लगता है, तब उनसे बात बात कर लेते हैं। ऐसे हम कभी नहीं जाते उनके पास, काहे कि उनका कोई इमेज ही नहीं है। उनका कोई इमेज ही नहीं है, मतलब कोई वजूद नहीं है उनका? कोई वजूद नहीं, देख रहे हो हर देश से उसको ठुकराया जा रहा है, यूएन में भी ठुकरा दिया है। ये तो पाकिस्तान के मसलों पर आपने गंभीरता से अपनी राय रखी, कुछ ऐसी चीज बता दीजिए कि जिससे पाकिस्तान का कोई एक ऐसा किस्सा हो या वाकया हो जिससे लोगों को खुशी महसूस हो। अरे थोड़ी हंसी खुशी बहुत होगी भैया, बस इमरान खान का तस्वीर स्क्रीन पर लगा दो, वही तस्वीर किस्सा बन जाएगा, लोग उस पे ठाके मार मार के हंसेंगे। अब भैया हंसी आई क्या? चलिए ये तो हंसी खुशी की बात हो गई, आपको सब लोग चाचा चतुर के नाम से जानते हैं। जाते जाते आप अपना असली नाम बताना चाहेंगे क्या लोगों को? Oh, no. अरे असली नाम मैं क्या रखा है, असली नाम तो इमरान खान का भी है, अब देख लो उसका पहचान क्या बना हुआ है। चलिए चाचा चतुर जी, जहरीली बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। आप भी TV9 भारतवर्ष पर ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी करें अपनी सुरक्षा पूरी।
कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।